हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप ईडीएसटी की वेबसाइट चलाते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एरर देखने को मिल सकता है कि इनसफिशियंट बैलेंस कंटेक्ट योर डीएसपी। तो इस तरीके का आपको अगर कोई एरर आता है ईडीएसटी पोर्टल पर और आप लॉगिन करते हैं, आपको समस्या होती है, तो आप उसे कैसे सही कर पाएंगे, आपको इस वीडियो में हम कम्प्लीट जानकारी बताएँगे। उससे पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको इस ई डिस्ट्रिक्ट वाले होम वेबसाइट पे चले जाना है और यहाँ पे आप कैप्चा डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। अगर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप देखने को मिलेगा कि आपको एक्सेस डिनाइड, दिस यूजर आईडी ऑलरेडी लॉग्ड इन। तो इसको आप लॉग आउट एवरीवेयर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले इस वाले इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप फिर से आपको सीएससी डिस्ट्रिक्ट यूजर जो है इसको सिलेक्ट करना है, फिर कैप्चा डाल के सबमिट करके आपको फिर से लॉगिन करना है। तो यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके से फिर से पॉपअप देखने को मिल जाता है। तो इसे आप कैसे सही करेंगे, तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे होम पे। यहाँ पे आपको ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको लेफ्ट में मिल जाएगा होम। तो इसको आपको होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी अपने डीएसपी जो ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो होते हैं कर्मचारी होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे आपको उनको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया जाता है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्टैक्ट लिस्ट सर्विस प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ पे नंबर दे दिए जाएंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने अपनी साहस से आईडी ली हुई है या तो किसी भी उसमें आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर या तो ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको समस्या भी बता देंगे कि कौन सी समस्या है। अगर आप वेबसाइट पर लोड रहता है कुछ होने से तो यहाँ पर जो है एक दो दिन के लिए वेबसाइट प्रॉपर नहीं चलती है, तो आपको इस तरीके से बता देंगे। अगर आप एक दो दिन के बाद भी ट्राई करते हैं तो आपका हो सकता है कि पोर्टल सही से काम करने लगे, आपको उसमें आपको जानकारी दे दिया जाता है या तो ईमेल के माध्यम से या तो अगर आप फ़ोन करके उनसे पता करते हैं तो आपको इस तरीके से जानकारी मिल जाती है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहां पे जाके आप इससे डायरेक्टली नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में जानकारी मिली कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।